हेलो साख हमागणे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं राज कंवर, वेलकम टू माय ब्लॉग, न्यू ब्लॉग। तो देखिए 9:15 हो गए हैं और अब देखो मैं अभी भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगी। और बस मैंने मेरा आज नहाना धोना जल्दी हो गया और मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगी और उसके बाद में अब कोई काम नहीं है। सोच रही थी कि सफाई कर लूँ बट टाइम नहीं मिलने की वजह से सफाई नहीं हो रही है। तो अब मैं अगरबत्ती लगा दूंगी भोलेनाथ जी को। मेरी पूजा यही होती है नॉर्मली, क्योंकि भोलेनाथ जी को जल तो मैं बचपन से चढ़ाती आ रही हूँ, अगरबत्ती और जल दोनों। वैसे तो आज मंडे है और मेरा है आज मंडे का सोमवार का व्रत। मैं हमेशा रेगुलरली सोमवार का व्रत रखती हूँ। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो गाइस मैंने ना बिलोना कर लिया है और खाना भी खा लिया है। आज जल्दी काम हो गया था तो जल्दी मतलब फ्री हो गई थी, तो अभी मैंने बिलोना कर लिया है क्योंकि लाइट की बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मेरे से इन्वर्टर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ना इतना सारा काम होता है कि मॉर्निंग में जल्दी का बिलोना होता ही नहीं है मुझसे, क्योंकि इधर वो ऑफिस आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो पूर्व वगैरह स्कूल जाता है, तो उनका टिफिन भी तैयार करना होता है। तो बिलोना मैं बाद में करती हूँ जब मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में। और कुछ भैया लोगों ने या बहनों ने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ से हूँ और मैं बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में आज ही। तो मैं पहले घी गरम कर रही हूँ, जितने में अभी मशीन वगैरह को वॉश करके रख देंगे। और जो मैंने खाना खाया था वो बर्तन साफ भी करके रख दिए है, लेकिन अभी लेके आई हूँ मशीन वहाँ। मतलब मैं बोलती हूँ ना बिलोना उधर करते हैं, तो उधर से मशीन लेके आई हूँ, उसको धोना है। गर्म पानी कर रही हूँ मैं। देखिए गाइस घी गर्म हो रहा है, अभी इधर पानी गर्म हो रहा है, मशीन धोऊंगी छाछ वाली। तो गाइस मैंने मशीन धो के रख दिया है और घी गर्म हो रहा है धीमी आँच पे बड़ा बड़ा, क्योंकि अभी 11:15 हो गए हैं, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी वीडियो की एडिटिंग करनी है और थोड़ी कल से रील्स भी शूट नहीं किए, तो एक दो टाइम नहीं मिलता, जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं रील्स शूट करती हूँ। तो अभी इसी वीडियो की एडिटिंग करनी बाकी है और एक दो रील शूट करनी है, वो करूँगी। अभी घी गर्म हो रहा है फिलहाल, अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि धीमे धीमे आँच में पकता रहेगा। और फिर पकने के बाद में मैं अलग कंटेनर में डाल के रख दूँगी, क्योंकि कुछ लोग तो मतलब 2-4 दिन का घी जैसे इकट्ठा हो जाता है एक साथ गर्म करते हैं और फिर अलग से कंटेनर में डालते हैं, लेकिन मैं जिस दिन भी चार्ज करती हूँ उसी दिन का घी, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, उसको हाथों हाथ गर्म करके और अलग से कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, ताकि फिर वो ऐसे फ्रिज में रखा ख़राब ना हो। क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं ना फिर घी को पहले तो फ्रिज नहीं था, फिर भी ऐसे ही रख दिया करते थे, अब तो फ्रिज भी है सबके घर में, तो फ्रिज में रख देते हैं। तो मैं ऐसे नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी, एक भी दिन नहीं रखती हूँ गलती से भी, चाहे शाम हो जाए। शाम को अगर मैं छाछ करती हूँ तो भी उसको हाथों हाथ गर्म करके और अलग से कंटेनर में डाल के रख देती हूँ, तो खुला भी नहीं रहेगा घी और फ्रिज में ख़राब भी नहीं होगा। इसलिए खैर फ्रिज में ख़राब तो नहीं होता है, पर फिर भी किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है। तो अभी सब काम फ्री हो गया मेरा, अब कोई काम नहीं बचा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद रील शूट करूँगी और एडिटिंग करूँगी इस वीडियो की। और जिसने पूछा है भैया ने मुझे या बहन ने कि आप कहाँ से हो, तो बताते हैं भाई थोड़ा सा, उसको गैस वैस को बंद कर देते हैं। तो गैस 5 बज गए हैं, मेरे अपनी रील वगैरह शूट हो गई थी और फिर मैं बीच में थोड़ा मतलब रेस्ट करने लग गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी रील शूट करते करते। आपको तो पता ही है ना कि कैसे क्या रील शूट होती है, कितने वीडियो ख़राब होते हैं तभी एक वीडियो बनता है, शॉर्ट बनता है। तो इसलिए मैंने ना वो रील्स बना के थोड़ा सो गई थी। अभी 5 बज रहे हैं, 5 बज गए तो मैंने ये देखो त्योरी की वगैरह की सब्जी काट के रख दी है। और अब पूर्व आ गए स्कूल से, पूर्व के पापा भी आ गए हैं, तो चाय बना लेती हूँ मैं, चाय बनाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग गैस पे चाय पीती हूँ तो मुझे जब तक चूल्हे की चाय नहीं पीती ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अभी चूल्हे पे चाय बना लेती हूँ और वहीं पे सीधा सब्जी बना लूँगी थोड़ा लेट। तो मैं पहले चाय बनाऊँगी फिर सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि 5 तो बज चुके हैं और आपको पता ही है कि आजकल दिन छोटे होते हैं। अभी सब्जी बनेगी तब तक गाय आ जाएगी, फिर गाय आने के बाद में तो फिर उसका दूध निकालना चारा डालना वही रहता है रोज का काम। और किसी भैया ने पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं नागौर ज़िले से हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, परवतसर से, नागौर डिस्ट्रिक्ट में एक परवतसर तहसील है वहाँ से हूँ। और ससुराल मेरा ढूंढिया है, तो
और कोई अगर और इससे भी ज़्यादा कुछ जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे वीडियो पे नए हैं मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट रखें। फुल प्यार सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फुल वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलेंगे कोई अब अच्छा, अगर और अगर कोई शूट करना हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, और अभी वीडियो को एंड करने वाली हूँ, मैं चाय ही बनाऊंगी अब कुछ नहीं करूँगी। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खामा गणी, जय हिंद जय भारत, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।